अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज जो है वो सुबह सुबह अबू गए थे मंडी और वहाँ से कुछ सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे, जिसमें बैंगन और खीरे वगैरह थे 5-5 किलो के, और कद्दू खास तौर पर लेने गए थे क्योंकि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे जो है तो वो किसी ने उनको कहा था कि अगर कद्दू वगैरह खाएंगी तो उनको शिफा होगी, तो उनके लिए भी कद्दू लेके आए थे। तो यहाँ पे जो है वो बाकी चीज़ें थी, टमाटर, शिमला मिर्च, लहसुन भी काफ़ी सारी सब्जियाँ थी जो लेके आए थे, नींबू, मिर्च वगैरह। तो यहाँ पे जो था वो अम्मी ने अचार भी बना के रखा हुआ था, उसको गरम अभी पक नहीं रहा था, अभी कच्चा था अचार। तो उसके बाद जो है वो हम लोग निकल गए थे कमर्शियल मार्केट। हम लोगों ने खाना खाने जाना था क्योंकि ईद थी, ईद पर हम लोग गए नहीं, मैं और फजा भी वगैरह हर ईद पर ही तकरीबन बाहर जाते हैं, कहीं खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग निकले हैं, साथ में अम्मी भी थी और सलमान की बर्थडे भी थी, इस वजह से फिर उसको भी साथ ले लिया और अलियान को भी। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह उतर रहे थे और यहाँ पे जो है हम शनवारी रेस्टोरेंट में आए थे जो कि कमर्शियल मार्केट में है, और बहुत मज़े का इनका काबिली ब्लॉग है। हम लोग आते होते हैं यहाँ पे खाना खाने, जो इन्होंने अभी कोयले वगैरह रखे हुए थे। इनका जो सेटअप होता है वो रात को सही सेटअप होता है, इनका दम पुख्त वगैरह बनता है रात को, तो अभी जो है वो काबली पुलाव वगैरह ही अवेलेबल होता है। तो हम लोग नीचे गए इनके जो बेसमेंट है वहाँ पे इन्होंने फैमिली सिटिंग एरिया जो है वो बनाया हुआ है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया और जो सबसे पहले चीज़ आती है वो ये वाला अचार आता है, सिरके वाला अचार होता है इनका, और इसमें कद्दू या माड़ू कुछ इस तरह की सब्जियां भी होती हैं, साथ में गाजर होता है। इतने मज़े का ये अचार होता है और बिल्कुल परफेक्ट होता है, खट्टा खट्टा सा, बहुत मज़े का होता है। और हमें ये वाला अचार जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो यहाँ पे जो है वो काबली पुलाव हम लोगों ने मंगवाया था, साथ में सीखें भी मंगवाई थी, काबली टिक्का था और काबली सीख कबाब थे। उसकी वीडियो नहीं बन सकी, वो बाद में आया था। तो खाना वगैरह खा के हम लोग आए थे आइसलेस पे, जो उसे फ्रोन के पास ही साथ ही लेफ्ट राइट साइड पे है, और बहुत मज़े की वहाँ पे आइसक्रीम मिलती हैं, और तभी हम लोग फिर यहाँ पे गए। तो यहाँ पे जो है वो बच्चों ने जो उनसे थी वो आइसक्रीम जो डिप वाली होती है, चॉकलेट डिप वाली, वो ली थी, और मैंने जो उनसे वो चॉकलेट ब्राउनी और साथ में वनीला आइसक्रीम ली थी। तो यहाँ पे जो है अम्मी के लिए पहले तो हम लोगों ने ये वाली आइसक्रीम ली थी वनीला, लेकिन उनको वो पसंद नहीं आई, इस वजह से फिर हमने दूसरी वाली इनको लेके दी। तो यहाँ पे इनके बहुत मज़े के केक्स वगैरह थे, और जो यहाँ पे फजा भी पूछी थी कि इनमें से सबसे अच्छा वाला कौन सा लग रहा है, तो मैंने एक देखा था बहुत क्यूट सा केक था, तो फजा भी ने ये वाले 2 पैक करा लिए थे। पहले उन्होंने मुझे बताया नहीं था, बाद में उन्होंने मुझे बताया था कि एक जो केक है वो मेरे लिए। तो यहाँ पे फिर हम लोग केक्स वगैरह लेके निकल के घर के लिए, क्योंकि सलमान की भी बर्थडे थी और घर में जो है वो भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने डॉक्टर वगैरह के जाना था, तो इस वजह से हमें घर बुला रहे थे। तो यहाँ पे जो केक फजाफी ने मुझे लेके दिया था, मैंने कहा सलमान इसी को ही कट कर ले, और फिर इसी को ही कट किया उसने। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी थी और जो सेलिब्रेशन थी वो भी हमने नहीं की थी, क्योंकि बस केक जो सा था वो भी बाई चांस फजाफी ने मुझे एज अ गिफ्ट लेके दिया था, तो मैंने फिर कहा कि उसी से ये कटिंग कर ले। तो यहाँ पे जो था वो उसने यहाँ केक कटिंग की, और फिर उसके बाद जो था वो डॉक्टर के चले गए भाई और भाभी। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, मुझे करें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को करें लाइक। अल्लाह हाफिज़।